हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महाराजा आदित्य देवगन सर की आने वाली नेक्स्ट मूवी औरों में का दम था, जो कि 2 अगस्त को रिलीज होने वाली। और यहां पर आप सभी को पता है कि इस मूवी का जो क्रेज है वो पब्लिक के अंदर उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आदित्य देवगन सर की मूवीज आती है भाई साहब, उनका पब्लिक के अंदर काफी बड़े लेवल पर क्रेज होता है। लेकिन इस मूवी का जो क्रेज है वो थोड़ा सा ठंडा देखने को मिल रहा है। तो यहां पर बहुत सारे फैंस यही सवाल कर रहे हैं कि भाई साहब, अब ये मूवी फर्स्ट डे पर कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। तो दोस्तों, ये मूवी फर्स्ट डे पर कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है फुल डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जितने भी यहां पर अजय देवगन सर के फैंस हैं, वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसे अपडेट्स को देख सके। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इस मूवी के लिए वो ये है कि यहाँ पर इस मूवी का जो टीजर आया है, ट्रेलर आया है, इस मूवी के जो सॉन्ग्स आए हैं वो पब्लिक ने पसंद किए हैं। यस, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो भी कंटेंट इस मूवी से निकल कर आया वो पब्लिक ने पसंद किया है, जो कि सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यहाँ पर जो मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ वो इस मूवी की एडवांस बुकिंग के ओपन होने से पहले कर रहा हूँ। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई साहब, जिस तरीके का इस मूवी का क्रेज है ना, उसके हिसाब से मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूं, क्योंकि अभी जिस तरीके का क्रेज है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो मूवी है फर्स्ट डे पर इंडिया से भाई साहब मेरे मुताबिक 3 करोड़ तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कर सकती है। यस, यानी कि ये जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं अपनी तरफ से भाई साहब मैक्सिमम कर रहा हूं, क्योंकि मैं पर्सनली चाहता हूं कि ये जो मूवी है भाई साहब 10 करोड़ कमाए, 15 करोड़ कमाए। लेकिन जिस तरीके का क्रेज होता है ना, उसको देखकर प्रेडिक्शन किया जाता है। तो यहां पर जिस तरीके का इस मूवी का क्रेज है ना, वो भाई साहब यही बताता है कि ये मूवी ज्यादा से ज्यादा 3 करोड़ कमा सकती है। और पर्सनली अगर ये मूवी फर्स्ट डे पर 4 या 5 करोड़ कमा जाती है या 6 करोड़ कमा जाती है, तो भाई साहब इस मूवी के लिए आप कह सकते हैं कि काफी अच्छी ओपनिंग होगी। यस, यानी कि यहां पर मेरा जो अभी जो प्रेडिक्शन है वो यही है। लेकिन अगर इस मूवी की एडवांस बुकिंग ओपन होती है, एडवांस बुकिंग को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, एडवांस बुकिंग फर्स्ट डे पर भाई साहब 1 करोड़ 2 करोड़ की हो जाती है, तो इस मूवी के लिए काफी बड़ा एडवांटेज होगा, फिर ये मूवी अच्छी ओपनिंग ले सकती है। लेकिन अभी जिस तरीके का क्रेज है, जिस तरीके की हाइप है इस मूवी के लिए, क्योंकि अभी जो अजय देवगन सर के फैंस है ना, वो भी इस मूवी को लेकर एक्साइटेड नहीं है। यस, यानी कि यहां पर आप सभी को पता है कि जब मैदान आने वाली थी, शैतान आने वाली थी, तो भाई साहब सोशल मीडिया पर हमें पोस्टर देखने को मिलते थे, उस मूवी को लेकर कोई ना कोई अपडेट देखने को मिलती थी। लेकिन यहां पर आप कह सकते हैं कि इस मूवी का सोशल मीडिया पर जो फैंस हैं वो भी क्रेज भाई साहब नहीं दिखा रहे, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि क्रेज काफी ठंडा है। तो भाई साहब इस क्रेज को देखकर मैं इस मूवी का 3 करोड़ का प्रेडिक्शन कर रहा हूं। पर्सनली मैं तो चाहता हूं ये मूवी 10 करोड़ कमाए, 15 करोड़ कमाए, लेकिन भाई साहब जिस तरीके का क्रेज है उसी तरीके से हमने प्रेडिक्शन किया है। तो दोस्तों, फाइनली जब इस मूवी की एडवांस बुकिंग ओपन होगी और इस मूवी को रिलीज होने में 1 दिन रह जाएगा, यानी कि अगर ये मूवी फ्राइडे वाले दिन रिलीज हो रही है, तो थर्सडे पर मैं इस मूवी का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो प्रेडिक्शन है वो करूंगा और उसमें बता दूंगा कि भाई साहब ये मूवी कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। लेकिन अभी जो मेरा प्रेडिक्शन है वो एडवांस बुकिंग ओपन होने से पहले, और ये प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है, और पर्सनली मैं चाहता हूं मेरा जो प्रेडिक्शन है वो गलत हो जाए और भाई साहब ये मूवी अच्छी ओपनिंग ले जाए। तो दोस्तों, यहां पर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, हमें